हाँ भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास मोबाइल कहाँ से आया, तो मैं 5:40 पे, मेरा नाम अभिनव है और मैं यहाँ पे जब पेपर हो रहा था उसके बीच में ही 4:50 पे यहाँ काफी लोग खड़े हो चुके थे। विद्रोह करके हम लोग पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से विफल थी, उनको हटा के हम लोगों ने यहाँ पे जाके अपना मोबाइल लिया है, उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो पूरी तरीके से ऑथोराइज है, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और बिना किसी के गुंजाइश के से नहीं बना, वीडियो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अभी भी टाइम यहाँ बचल रहा है, नाम चेंज है, देखिए दो जगह एक ही साथ सिस्टम चल रहा है अभी भी, और पेपर जबकि टाइपिंग का समय है ये मल्टी लॉगिंग इस बच्चे की मल्टी लॉगिंग, जबकि इसका कोई गलती नहीं है, इस बच्चे ने सिर्फ ये किया था कि नकल करने वाले के लिए अगेंस्ट खड़ा हुआ, इसका नकल हुआ था, इसके अगेंस्ट लड़का खड़ा हुआ तो उसका लॉगिन यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ऑटोमेटिक लॉगिन हो गई और वो अभी भी वीडियो चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है, प्रॉपर तरीके से। भाई अभी भाई बैठा हुआ था बगल में, इसका पेपर चल रहा था, प्रत्यक्ष ठीक है, पूरे सेंटर ने मदद की है उसको, पूरे सेंटर मदद की है, पूरे सेंटर मैनेजमेंट दिया है भागने के लिए, क्योंकि कोई भी आ नहीं जा सकता, एग्जाम के बीच में कोई आ जा नहीं सकता है, जब बिटवीन एग्जाम कोई भाग सकता है आ सकता है, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से सेंटर अगेंस्ट था। और देखिए अभी भी कुछ लोग टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट देने का कारण सिर्फ ये है कि सबकी सेटिंग है, इसलिए वो टाइपिंग दे रहे हैं, उनको बिल्कुल क्लियर है कि एग्जाम में सिलेक्शन होना है इसलिए वो टाइपिंग दे रहे हैं, पर एग्जाम का सिर्फ पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए और मैं इसका बिल्कुल पूरी तरह से हम सभी लोग इसका आगाह करते हैं, पेपर कैंसिल विरोध होना है कि ये पेपर कैंसिल होगा, हमारे अधिकारी हैं ये बार बार फोन पे बात तो कर रहे हैं पर उन्होंने क्लियर नहीं किया है, उनको पता है कि सिस्टम चल रहा है गलत, सर ही बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी है, SSP साहब भी हैं, यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं, पर कोई इस तरीके से अभी तक लीगल एक्शन लिया नहीं गया, सर कोशिश कर रहे हैं, जरूर प्रशासन कोशिश कर रहा है, ये शिफ्ट कैंसिल होना चाहिए पूर्ण रूप से और ये पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए।